हाय एवरीवन, किवें तुसीं सारे आए हो? तुसीं सारे ठीक ही होवोगे। तो अज्ज दी वीडियो च आपां गल करन जा रहे हां पंजाब पी एस टैट 2024 बारे। तो पी एस टैट 2023 जो है सी ओह तां काफ़ी विवादां विच रहा है और उसका फाइनल जो तुहानूं पता लग ही गया रिजल्ट आउण तों बाद। हुण पी एस टैट 2024 होवेगा जां 2023 विच इक फिर होवेगा, तो इस संबंधी भी आपां गल करदे हां कि हुण अगला पी एस टैट कदों होवेगा। तो अगला चांस हुण दे हन दसंबर विच, पर जनवरी 2024 विच लिया जाएगा। देख लो तुसीं, पहला भी मैं जो पी एस टैट 2023 बारे जो भी न्यूज़ लिया से वीडियो लिया से वो सारी सच हुई हैं। तुम प्रीवियस जाके देख सकते हो जिमें जिमें क्या उस तरह होया, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगी क्या तो उम्मीद नहीं मिली ज़्यादा। तो हूँ आप गल करते हैं पांच इंपोर्टेंट पॉइंटा बारे जो ढी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो यह पांच इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हों पांच मिनट की वीडियो चंगी तरह सुन के फस्ट अटैम्प्ट अपना पी एस टैट क्लीयर कर सकते हो, और जो पहला फेल हो चुके हैं उन्होंने भी काफ़ी इंपोर्टेंट है ये वो भी यह देख के अपना पी एस टैट हूँ जो होने वाला अटैम्प्ट उस क्लीयर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा औखा गल नहीं है, 150 विच 90 मार्क्स लेने हैं। पहला तो कॉन्फिडेंट रहो जी, अगर 150 90 मार्क्स नहीं ले सकते तो तुसी फिर बुरा ना मन्ने गल, पर तुसी टीचर बनने काबिल नहीं हो। तो पहली गल करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जरूर अपना देख लो। पी एस टैट पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस है। तो कई बार तुसी अकैडमी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो पी एस टैट लिए कोचिंग करन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर काफ़ी मटीरियल है और साडे चैनल पर भी तुहानू वीडियोस अगे मिल जाएगी 2024 के रिलेटेड, तो उत्थों भी तुसी तैयारी कर सकते हो। सिलेबस की गल करिए कि कई बार की होंदा स्टार्टिंग कई लोगों को पता नहीं होंदा, नॉर्मल ये हर किसी नाल एवें होंदा स्टार्टिंग। तो कई लोग जो सिलेबस चंगी तरह देखते नहीं हैं, और मेरे नाल भी एक बार एवें होया सी एस एस सी ते बैंक विच। मैं एस एस सी की कोचिंग लैनी सी, पर एक इंस्टीट्यूट है बठिंडे का ही, तो उन्होंने मैनू बैंक की कोचिंग दी। स्टार्टिंग ज़्यादा पता नहीं सी, मैं 10th प्लस 2 तों बाद थोड़ा कोचिंग लैन गया सी, तां कोई गाइड करन वाला नहीं सी। तो इसलिए जो भी तुसी कोई कोचिंग सेंटर जाना है तो उत्थे देख लो पी एस टैट का सिलेबस कराया जाए। कई कोचिंग सेंटर की करते हैं पी एस टैट का कह के पंजाब के होर पेपर की तैयारी करवा रहे होंगे, उनके विच ही पी एस टैट वाले तैयारी करवा देंगे। तो उस नाल चंगी तरह तैयारी नहीं होंगी क्योंकि ढाडा सिलेबस थोड़ा पंजाब के पेपर नालों डिफरेंट है। तो उस हिसाब नाल तैयारी करनी है, सिलेबस अपना देखना है। ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, कोचिंग लग भी सकते हो, नहीं भी लग सकते हो, डिपेंड सारा ढाडे ते करता। दूजा टाइम है टाइम तो प्रैक्टिस। तो टाइम की गल करिए, टाइम कोई ज़्यादा नहीं है कि 4 घंटे पढ़ना पी एस टैट क्लीयर करने लिए, नॉर्मल 1-1.5 घंटे पढ़ के पी एस टैट क्लीयर हो सकता है। पर टाइम के अंदर मैं दूसरी गल लैके आया कि हूँ जिमें कई लोग फ्री हैं तो वह हूँ ही पी एस टैट का अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। कई बार की होंदा कि एकदम ही जो पी एस टैट आता है, जब मेरे नाल ज़्यादा नॉर्मल होंदा ही रहिंदा है कि एकदम जो एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है उदों मेरा जागदा है जी, तभी फिर भी मैं चलो कोई गल नहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा अजे भी, ग्रुप सी सेंटर गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट जॉब कर रहा हाँ। तो फिर भी कई होर वड्डे एग्जाम क्लीयर करने जिवें सी जी एल या होर भी, तो मैं काफ़ी थोड़ा सा मैं भी लेजी हाँ, इन्हें कोई शक वाली गल नहीं। तो एवं कई लोग होंगे हैं जो कहते हैं कोई नहीं जो आएगा उदो देखा जाएगा। तो अगर तुम फ्री हो तो पहला तो तैयारी करके रखोगे तो ढेर क्लीयर होने के चांस ज़्यादा होने, और प्रैक्टिस जो आपकी वार तो वार करते रहो। तो तीजी गल करिए वीकनेस की, तो हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होंगी है, 5 सब्जेक्ट हैं तो वीकनेस को हुणे तो ही क्लीयर करने की कोशिश करो। किसी मैथ नहीं आता या इंग्लिश कमजोरी है तो हुणे तो ही उनकी कोशिश करो, और किस जो भी सब्जेक्ट में तुहाडी वीकनेस है उसका कमेंट जरूर थले लिखो, मैथ इंग्लिश साइको या कोई भी पैडागोगी। तो उस हिसाब नाल तुहानूं उनके रिलेटेड भी एक वीडियो अलग तो बना दी जाए कि वो वीकनेस तुसीं किस तरह अलग कर सकते हो। और एक गल है कि ये कोई जे इन कोई सब्जेक्ट नूं तुसीं नहीं भी करना है तो वह भी कर मतलब छड़ सकते हो, क्योंकि 150-90 मार्क्स ही लेने हैं, पर अगे तुहानूं वो सब्जेक्ट फिर ना कदे करना ही पवेगा, क्योंकि अगर मास्टर ग्रेडर का एग्जाम देना है या ETD सैकेंड पेपर देना तो सब्जेक्ट फिर तुहाडे सामने आ ही जाएगा। तो इसलिए कमजोरी नूं अपनी वीकनेस सब्जेक्ट नूं जरूर दूर कर लो, पर फिर भी अगर तुसीं उसनूं नहीं करदे तो फिर भी तुसीं तुहाडे कोल 5 सैक्शन हन तो उस विचों 10 मार्क्स भी लै लैंदे हो 30 विचों, तो बाकियां च 20 भी लैके भी तुसीं पास हो सकते हो नॉर्मल 90 मार्क्स नाल। पावर की गल करिए तो जो भी पावरफुल सब्जेक्ट हैं उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा अपने मार्क्स लैन की कोशिश करो, और वीकनेस वो ही इन्हें सेम पॉइंट है, वीकनेस में थोड़ा घट भी मार्क्स लै सकते हो। तो उस तो बाद लास्ट पॉइंट अपने को प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करो ही, उस तो पता लग जाता किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह एग्जामीनर क्वेश्चन सैट करता है, उस हिसाब से ही तैयारी होती है। पहला एक बार सिलेबस कवर करो, उस तो बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तुसी आइडिया लगाओ कि तुसी किन्ने को मार्क्स लै रहे हैं। अगर तुसी प्रीवियस ईयर पेपरों में वधिया मार्क्स लै रहे हो तो तुहाडा इस बार पी एस टैट क्लीयर होना जरूर हो ही जाएगा, पक्का ही है, तो कोई इन दो राय वाली गल नहीं है।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬਸ ਇੰਸਟਾ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।